सबका साथ सबका विकास। अगर मर्द हो तो एबीएम हटा दे, बैलेट पेपर से कर ले। अगर काम किया है तो लाल किला गिरवी रख दिया दिल्ली के अंदर, ताजमहल को गिरवी रख दिया मोदी जी ने। ये मोदी जी ने देश को खत्म कर दिया, रेल भेज दी, बस भेज दी, इसमें गुरु बन गया, देश का नाश कर दिया, देश को खा गया मोदी। मोदी तो मंदारी है, सारे अस्पतालों में अंधारा कर दे और जितने बीमार है सब ठीक हो जाए, वो बजवा दे थाली घंटा बजवा, बड़ा वाला घंटा बजवा, सब ठीक हो जाएंगे। तो मदारी नहीं और क्या, देश विश्वगुरु बन रहा है, आपको पसंद नहीं है? गरीबी तो आएगी ना, जब देश विश्वगुरु बन जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी जी उनके चाहने वाले लोग ऐसा ही कहते हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, अगर इन्होंने विकास किया है सबका साथ सबका विकास। अगर मर्द हो तो एबीएम हटा दे, बैलेट पेपर से कर ले। अगर काम किया है तो जीतेगा, इनको पता चल जाएगा जो जीतेगा वो। भैया बिल्कुल सही कह रहा, ये मोदी सरकार बिल्कुल गरीबों के विरोध है, गरीबों की जान खा लिया, गरीब तो खत्म कर दिए इन्होंने। चीजा चाहिए सेठ, ये मोदी सरकार सेठों की है भैया, पांच आदमी है उनका कर दे। गरीब आदमी को सिलेंडर दिया, सुनो सिलेंडर दिया फ्री, अब उसका है 1250 रुपए भरने के, कौन गरीब भरवा लेगा उसको? 400 में सिलेंडर था। कल्याण करने मोदी जी आए, गरीबों का कल्याण ना, मोदी गरीबों का तो नाश कर दिया, नाश कर दिया, विनाश कर दिया। विश्वगुरु बन रहा है भारत, विश्वगुरु। यो देश को खत्म कर दिया, रेल भेज दी, बस भेज दी, अब यार सब भेज दिया। और ये क्या गुरु बनने आए हो? लाल किला गिरवी रख दिया दिल्ली के अंदर, ताजमहल को गिरवी रख दिया मोदी जी ने। ये मोदी जी ने और एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, देश विश्व गुरु बन रहा है कि नहीं? मुझे अरे देश विश्व गुरु बन गया, देश का नाश कर दिया, देश को खा गया मोदी, खा गया देश को मोदी। एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जो जाटों में गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोर्ट मांग के गए और इस पर करोड़ों करोड़ों की बंदी है। हाँ। यो देश का विकास कर रहा है, वो इतने बड़े देश के नेता है तो पहन सकते हैं। और देश के बड़े के नेता तो वो लाल बहादुर शास्त्री भी थे। हाँ। इनसे पहले थे। अरे ये ढोंगी है, सपेरा है, मंदारी है, झूठा है, देश को गरीबों को खा गया, विश्व को नेता है, विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। ये सब बज रहा जो कर गए इंदिरा जी, कर गए यार। कांग्रेस ने वो काम किया, एक ठाकुर जमार को, हरिजन को, दलित को धोरणी बैठाता था और कांग्रेस धीरे धीरे ऐसा काम किया और सबको एक जगह बैठाया था। मोदी तो मंदारी है, सुने एक बात बताओ, मंदारी है, मंदारी। जो कर आप, कोरोना चला, बोला बत्ती बंद कर दो, अंधेरा कर दो और थाली पिटो, बीमारी भाग जाएगी, चलो उस सब भाग गई। अब हिंदुस्तान में इतने अस्पताल हैं, कई करोड़ आदमी भर्ती है। हाँ। मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी से मैं। हाँ। सारे अस्पतालों में अंधारा कर दे। हाँ। और जितने बीमार है सब ठीक हो जाए, वो बजवा दे थाली घंटा बजवा, बड़ा वाला घंटा बजवा, सब ठीक हो जाएंगे। तो मदारी नहीं और क्या, वो आग सा काड़ा। हाँ। रामदेव। हाँ। मैं हरिद्वार का ही हूँ। हाँ। वो हरिद्वार का 1980 तक वो अखबार बेचता था। हाँ। अखबार कौन याद बेचता, सबसे गरीब जो होता, ये 80 तक अखबार बेचता था साइकिल से। हाँ। एक गुरु को कत्ल कर दिया इसने। हाँ। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये फांसी पटक जाता। केवल 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 पूरे हिंदुस्तान की बिजनेस इसके हाथ में है भाई साहब, लखनऊ में देख लो, और चावल रामदेव के, सेहत रामदेव का, आटा रामदेव का, गेहूँ रामदेव के, हर चीज रामदेव की। यो कौन कर रहा, किसान का तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सब मोदी रामदेव का कर दिया। किसने कर दिया? मोदी ने। एक किसान पर 20,000 का कर्जा हो जा, इस रक्षा वाले पर 5,000 का कर्जा ले लियो बैंक से, तो पता क्या गाड़ी भरका की तहसीलदार की, 5 पुलिस वाले होंगे, इसे ठा के ले जाएंगे और घूस दे देगा तो छोड़ देंगे, ना देने का तो जेल में गिर देंगे।